मुझे वो बिग बॉस, अंकिता तो मुझे बिग बॉस में सबसे सेंसिबल कंटेस्टेंट लग रही है, एंड शी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड वेरी वेरी यू नो नाइव एट द सेम टाइम. एक अजीब कॉम्बिनेशन होता है, लोगों को लगता है तुम बहुत चलाक हो बट अंदर से तुम बहुत नाइव हो. दैट्स व्हाट अंकिता इज. एंड आई थिंक सेम गोज विद विकी. और विकी की जितने भी क्लिपिंग्स मैंने देखे हैं वो बहुत उछल कूद रहा है एंड ही इज लुकिंग सुपर क्यूट. नहीं नहीं, मेरी जोड़ी को तो बिग बॉस में देखने नहीं मिल सकता है बिकॉज मेरे हस्बैंड आर्म्ड फोर्सेस में है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फौजी होता है वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं आ सकता है और कुछ भी और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता. उसका काम बहुत टफ है और देश की सेवा कर रहे हैं. ही लाइक्स टू डू दैट. कर तो रही हूँ यार नया रियलिटी शो करे. सुबह मैंने इंस्टाग्राम का रील शूट किया नया, फिर मैंने शो में जाकर एक सीन शूट किया नया. क्या क्या और क्या नया जिसमें मैं खाई से गिर रही हूँ यार. करण आ रहा है मुझे बचाने. लोग प्रीता करण को देख रहे हैं, 7 साल हो गए हैं, 7th year भी वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो प्रीता करण तुम साथ में मिल जाओ. आई थिंक ये इतने बड़े मैजिक को छोड़ के मैं और क्या कर सकती हूँ. हाँ तो अगर लोगों ने कुंडली देखना भगवान ना करे कभी बंद कर दिया तो फिर मैं अगर मिल गई तो आज मैंने कुछ तो उसका एक क्लिपिंग देखा था एंड ही वाज गेटिंग रियली एंग्री. एक्चुअली मुनावर को मैं इतना जानती नहीं हूँ तो आई नॉट लाइक टू कॉमेंट बट वो क्योंकि एक OTT जीत चुके हैं ना. हाँ तो आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. सबका भला होना चाहिए, तुम सबका और मेरा भी. क्या है श्रद्धा जी, कुछ नहीं है.